हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, टुडे जो हमारी क्लास है दैट इज़ ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। माई सेल्फ डॉक्टर रजनी गुप्ता फ्रॉम संध्या ग्रुप, फ्रॉम संध्या रमन आधार फाउंडेशन। ये ऐसा एक फाउंडेशन है जिसमें नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक के कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो आज हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्लास लेके आए हैं। आई थिंक हमारे सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो गए हैं अभी, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम ऑक्सीजन का इन्हेलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन फ्रॉम द बॉडी ये समझते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखेंगे कैसे ऑक्सीजन हम ले सकते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, और कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। ये सभी ऑर्गन्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ये डायफ्राम। डायफ्राम से ऊपर जितने भी ऑर्गन्स हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स आते हैं। इससे नीचे हमारा स्टोमक, लीवर, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स जो ऑलरेडी हम क्लास में पढ़ चुके हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे कर्सर के साथ देखिए, नेजल कैविटी, नेजल के बाद फारिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डेफिनेशन में प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन नीडेड बाय द बॉडी एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। फ्रेश ऑक्सीजन को इनहेल करना इज नॉन एज रेस्पिरेशन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम में माउथ, नोज, फारिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियस, ब्रोंकियोलस एंड द लंग्स, दीज ऑल आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कॉम्पोनेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सेकेंड इज लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा लैरिंग्स के ऊपर का पार्ट आता है, दिस इज द लैरिंग्स। लैरिंग्स के ऊपर के जितने भी हमारे ऑर्गन्स आएंगे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के हैं, और लैरिंग्स के नीचे के ऑर्गन्स जो हैं ये हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हम देखेंगे नेजल कैविटी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हम देखेंगे नेजल कैविटी, फारिंग्स एंड लैरिंग्स, एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखेंगे ट्रेकिया, दिस इज द ट्रेकिया, एंड हियर ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज राइट एंड लेफ्ट। राइट पार्ट ऑफ द ट्रेकिया इज गोइंग टू द राइट लंग एंड लेफ्ट टू द लेफ्ट लंग। वी आर हैविंग ए पेयर ऑफ लंग। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन दिस वीडियो वी कैन सी ऑक्सीजन इज going inside the body towards the lungs, and carbon dioxide we can exhale carbon dioxide and we can inhale oxygen. First we see the anatomy and physiology of a respiration tract and how the gases transported, how we can inspire and expire. Then respiratory regulation process, in brain we are having a respiratory process where we are having a pair of lungs. In this picture you can clearly look that upper respiratory part and the lower respiratory part. In upper respiratory part there is a nasal cavity, paranasal sinuses, oral cavity, then the pharynx, and then epiglottis, and then larynx. First we see the nasal cavity, the bones of the nasal cavity, then larynx. In upper respiratory tract we can see we inhale through the nose, the oxygen is going to the nose, then to the pharynx. The pharynx is divided into two part, one is a nasopharynx and another one is a nasal cavity and paranasal sinuses, then oral cavity and pharynx. Pharynx, this is a part of pharynx, we can see we can divide pharynx into the nasopharynx and oropharynx.
नेजोफैरिंक्स, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे नेजल पैसेज से होते हुए फैरिंग्स की तरफ जाती है, फैरिंग्स से ये लोअर ट्रेकिया की तरफ आएगी। बिल्कुल माउथ के बिल्कुल बैक साइड भी फैरिंग्स का पार्ट होता है जिसको हम ओरोफैरिंक्स बोलते हैं। हम देखते हैं जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना जो है यहाँ पे जाके फैरिंग्स के पास फैरिंग्स पे पहुँचता है। हम बोलते हैं ये दोनों ही ट्यूब्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, हमारा नेजल पैसेज और हमारा ओरल पैसेज जो आपस में इंटरकनेक्टेड है वो फैरिंग्स के पास है। इसके बाद फैरिंग्स ओपन हो जाता है ट्रेकिया में एंड द सेकेंड पार्ट जो है ये हमारा ओएसोफेगस में चला जाता है। द बोन्स, इसमें हम स्कल की बोन्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन सी बोन्स जो हैं हमें नेजल कैविटी में हेल्प करते हैं, वोमर, मैक्सिलरी बोन, फ्रंटल बोन, नेजल कैविटी। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये हमारे नोज़ के थ्रू हमें एंटर करेगी नेजल कैविटी में। नेजल में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इसमें बोन्स जो है फ्रंटल, मैक्सिलरी, नेजल बोन, एथेमॉइड बोन, वोमर बोन, ये सारे ही नेजल कैविटी के बोन हैं, नोज़ के आसपास के ही सारे ही बोन्स हैं। इसके बाद आता है फैरिंग्स का पार्ट। फैरिंग्स दो भागों में डिवाइड होता है, वन इज नेजोफैरिंक्स एंड अनदर वन इज ओरियोफैरिंक्स। जब हम खाना लेते हैं तो फैरिंक्स का कुछ पार्ट जो है हम देख सकते हैं। ऑन थर्ड इज लैरिंजियोफैरिंक्स, जो लैरिंक्स के बिल्कुल सामने फ्रंट में लाई करता है। लैरिंक्स के पास ही हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। देन ट्रेकिया एंड ब्रोंकियोलस, हम वी आर हैविंग ए पेयर ऑफ लंग्स। हम देख सकते हैं इस वीडियो में, जैसे ट्रेकिया, जैसे हम इन्हेल करते हैं हमारी लंग्स जो एक्सपैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स होती हैं जिससे एयर एंट्री और एयर एक्सेल होती है। जैसे ही हमने ऑक्सीजन ली, एयर हमारे अंदर एंटर करी, एयर एंटर करने के बाद ये हमारे ट्रेकिया से होती हुई हमारे ब्रोंकियोलस में आती है, लंग्स के अंदर एंटर करती है। इसमें स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज होती हैं। ब्रोंकियोल्स जो हैं ये सेकेंडरी ब्रोंकियोल और टर्शरी ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं। रिब केज, लंग्स जो हैं हमारे इस रिब केज के अंदर रहते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। राइट लंग हैविंग टू लॉब्स, हमारे दो लंग्स राइट लंग और लेफ्ट लंग रिब केज के अंदर रहते हैं। राइट लंग में तीन लोब्स हैं, लेफ्ट लंग जो है स्मॉल होता है, इसके नीचे हार्ट होता है, इसलिए इसमें टू लोब्स रहते हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज ब्रोंकियोलस से हमारे लंग्स के अंदर एंटर करते हैं। वी कैन सी द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होने के कारण हमारी जो भी ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यहाँ लंग्स में आके वो ऑक्सीजन गेन करता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके दोबारा हमारे हार्ट में पंप होता है। मेन पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हमने देखा था, जैसे हमारे हार्ट से ब्लड जो है लंग्स के थ्रू गया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारे कैपिलरीज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल से देख सकते हैं हम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं। नीचे से डायफ्राम का जो पोर्शन है, जैसे हमने सांस ली, इनहेल किया, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एक्सहेलेशन करने के बाद ये रिलैक्स हो जाती हैं। ये हमारे रेड कलर जो आप देख रहे हैं, दीज आर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लू कलर इज रिप्रेजेंटेड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेमी परमेबिलिटी के द्वारा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हमारी पूरी ही बॉडी को हार्ट पम्प आउट करता है। एक एक आर्टरीज जो है वो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके पूरी बॉडी तक सर्कुलेट करती है। और ब्लू कलर से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज़ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमारे हार्ट से लंग्स में आया और वहाँ से उसने ऑक्सीजन को गेन करके फिर वो दोबारा से पंप आउट होके हमारी पूरी ही बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पहुँच रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन जो हम देखेंगे कैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जितनी रिक्वायर्ड होती है उतना हम इनहेल करें। इन दीज डेज हम बोल रहे हैं आप योगा करिए। योगा करने से क्या होता है, जब हम फ्रेश ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, वी ब्रीथ, हमने इनहेल किया ऑक्सीजन आई, और वी एक्सहेल, जैसे हमने एक्सहेल किया ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर गए। ऐसे ही हमारे ब्रेन में सेंटर्स हैं जो हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं,
पॉज एंड मेडुला ऑब्लॉगेटा. जैसे हमने इनहेल किया, मैसेज गोल्स टू ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो हमारे ब्रेन में बढ़ जाती है, और वहाँ से जैसे मसल्स की एक्सपेंशंस होती है, लंग्स की एक्सपेंशंस होती हैं, ऑक्सीजन बाहर निकलती है. जैसे हम वर्कआउट में आते हैं, हम वॉक करते हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ती है, हमारी ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ती है. जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो जिससे हमारे ऑक्सीजन की कैपेसिटी हमारी बॉडी में बढ़ती, जितनी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की उतनी इससे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाने लगती है. जस्ट वी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, सो ऑक्सीजन कैन कम इनसाइड एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है. तो इससे हम क्लेरिफाई कर सकते हैं कैसे हम इनहेल करेंगे ऑक्सीजन अंदर लेंगे और कैसे हम एक्सहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे. दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. इन दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनहेलेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. स्टूडेंट्स, नाउ हमें ये देखना है कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे एग्जामिनेशन करेंगे. नॉर्मल ब्रीथिंग रेट जो है हमारी इनहेलेशन 12 टू 20 टाइम इज़ द रेस्पिरेशन रेट, जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, दैट इज़ 80% तक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को रहती है. नाउ वी कैन सी आई थिंक हमारे सारे स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया कि कैसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिफाइंड कर सकते हैं, कैसे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें हेल्प करते हैं, इसकी क्या एनाटमी है और कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, व्हाट इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाउ वी कैन मूव टू द एग्जामिनेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. हमारी ओपीडीज में अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई पेशेंट आता है तो हमें इसको कैसे एग्जामिन करना है. फर्स्ट इज जनरल एग्जामिनेशन. बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जनरल एग्जामिनेशन रिलेवेंट टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम शुड बी कैरिड आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आस्क द नेम ऑफ द पेशेंट, सेक्स ऑफ द पेशेंट, एज ऑफ द पेशेंट. देन पेशेंट कंप्लेंट इज ही इज हैविंग ए प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, हिज रेस्पिरेशन रेट इज इंक्रीज्ड. या अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि ही इज़ हैविंग ए कफिंग, तो हमें उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे एग्जामिन करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल अपीयरेंस, व्हाट इज़ द अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट. सेकंड इज़ पेलर, वो उसको पेलर तो नहीं है, उसका कलर क्या है. आई वी कैन सी द आइज़, वी कैन चेक द हमें उसके फिंगर्स को देख सकते हैं, कहीं उसको एनीमिक तो नहीं है पेशेंट, बिकॉज एनीमिया इज़ ऑल्सो ए कॉज ऑफ रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस. साइनोसिस, ब्लू इज डिसकलरेशन ऑफ द नेल्स सुनी है. क्लबिंग, यू कैन सी इन दिस पिक्चर देर इज़ ए क्लबिंग. नॉर्मल हम नेल्स को देखते हैं तो नॉर्मल नेल्स जो हैं इनके एजेस जो हैं वो नॉर्मल रहते हैं. अगर कोई डिसलॉर्ज है, नेल जो है आपका एलिवेटेड है, देन वी कैन सी देर इज़ ए क्लबिंग ऑफ द नेल्स. वीनस पल्सिस एंड लिम्फ नोड इनलार्जमेंट. इसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एग्जामिनेशन हम करेंगे इंस्पेक्शन से, पल्पेशन से, प्रिकॉशन से एंड ऑस्कल्टेशन से. इन सब चीज़ों की हेल्प लेके हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पेक्शन, हम इंस्पेक्शन कैसे करना है. शेप ऑफ द चेस्ट, वी हैव टू सी द चेस्ट. चेस्ट इज़ अ बाइलेटरल, हमारे दो लंग्स हैं तो नॉर्मल चेस्ट इज़ बाइलेटरली सिमेट्रिकल. वी कैन सी कि कहीं कोई पार्ट अपर तो नहीं है, कहीं कोई नीचे तो नहीं है, दोनों ही लंग्स की जो सिमेट्री है वो सेम है या नहीं है. एंड एलिप्टिकल इन क्रॉस सेक्शन, द ट्रांसवर्स डायामीटर एंड द इंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर. यू कैन सी द सर्कल हियर, वी कैन सी द रिंग, वी कैन सी द केज, द रिब केज. इसका ट्रांसवर्स डायामीटर और एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर जो है वो सेम है या नहीं है.
अगर हम कॉमन एबनॉर्मलिटीज़ देखेंगे, कई बार ओपीडीज़ में बच्चे जाते हैं या कई बार आप जब देख पेशेंट्स को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, काइफोसिस फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है बैक से वो फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाती है जिससे हमारी चेस्ट की शेप जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है। सेकेंड इज स्कोलियोसिस, लेटरल बेंडिंग ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो लेटरल साइड पे बेंड हो जाएगा तो हमारी चेस्ट की शेप जो है वो चेंज होगी। बेलर शेप चेस्ट इंक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो चेंज हो जाएगा तो चेस्ट की शेप जो है वो बेलर शेप चेस्ट हमारी बन जाएगी। दीज आर द एबनॉर्मलिटीज जो हम पेशेंट्स में देख सकते हैं। सेकेंड इज इंस्पेक्शन, हमने उनको इंस्पेक्शन कैसे करना है। फर्स्ट रेट एंड रिदम ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ द रेट ऑफ द ब्रीथिंग, 12 टू 14 ब्रीथ पर मिनट। एक नॉर्मल एडल्ट 12 से 14 मिनट तक ब्रीथ लेता है, इनहेल एंड एक्सहेल। सेकेंड इज मेजरमेंट ऑफ द चेस्ट, वी हैव टू मेजर द चेस्ट, चेस्ट एक्सपेंशन कैन बी मेजर विद द टेप मेजर, वी कैन यूज़ द टेप, देयर मार्किंग इज देयर, सो वी कैन यूज दिस टेप अराउंड द चेस्ट बिलो द निप्पल। इन हेल्थी एडल्ट इट इज 3 to 4 centimeter। देन सिमेट्री ऑफ द चेस्ट एक्सपेंशन, यहाँ हम सिमेट्री देखेंगे। चेस्ट एक्सपेंशन ऑफ हेल्थी एडल्ट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड। सिमेट्री यू कैन सी बाय द नेक डाइज या अदरवाइज यू कैन यूज़ द हैंड एंड यू कैन पल्पेट द पेशेंट। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ब्रेस्ट का साइज कहीं इंक्रीज तो नहीं है, चेस्ट का एक्सपेंशन कैसा है, इक्विलिब्रियम है, इक्वल है या नहीं है। देन इज मूवमेंट ऑफ द चेस्ट वॉल, हम चेस्ट वॉल की मूवमेंट्स को देखेंगे। प्रेजेंस ऑफ इंटरकोस्टल रिसेशन और यूज़ ऑफ एसेसरी मसल्स, हम पेशेंट को इनहेल एंड एक्सहेल करने के लिए बोलेंगे तो वी कैन सी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे उसकी चेस्ट वॉल किस तरह से अपीयर हो रही है। इसके बाद हम करेंगे पल्पिटेशन, पल्पिटेशन इज एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल, चेस्ट एक्सपेंशन कैन बी असेस्ड बाय पल्पिटेशन। पल्पिटेशन करने के लिए क्या करना है हमने, वी कैन यूज़ अवर हैंड्स, हमें पेशेंट की बैक की तरफ जाना है, पीठ पे खड़े होके अपने दोनों हैंड्स को, जैसे हमने पिक्चर में आपको शो हो रहा है वैसे ही दोनों हैंड्स को आपने लोअर रिब की तरफ रखना है, नियर द डायफ्राम, यहाँ से हम पल्पिटेशन करेंगे। वी कैन सी द पेशेंट टू इनहेल एंड एक्सहेल, देन वी कैन सी कि पल्पिटेशन करने पे हमें क्या फील हो रहा है। देन इज वोकल फॉर्मेटिस, वोकल फॉर्मेटिस इज द वाइब्रेशन डेडिकेटेड बाय द पल्पिटेशन एंड द पाम ऑफ द हैंड ऑन द चेस्ट। व्हेन द पेशेंट इज आस्क टू रिपीट 99 एंड अनुवाना, इन द नॉर्मल हेल्थ अडल्ट द वाइब्रेशन फेल्ट इन द कॉरस्पॉन्डेंस एरिया ऑन द टू साइड ऑफ द चेस्ट आर इक्वल। जब पेशेंट इनहेल करेगा तो वी कैन फील इक्वल intensity of air come inside. So doctor can easily examine what is the problem with the patient. There is palpitation, we can see the palpitation is normal and not. Then we have to come on auscultation. Auscultation with the middle finger. We have to put our hand. हमें अपने हाथ को back of the chest पे रखना है, middle finger से हमें tapping करने हैं। टैपिंग करने के लिए हमने हैंड्स को नीचे रखा और सेकंड हैंड से हमें ऐसे टैपिंग करते हुए ऊपर की तरफ आना है। सो वी कैन असेस एंड कंपेयर द प्रिकॉशंस, द मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड इज प्लेस्ड ऑन द चेस्ट एंड मिडल फारिंग्स टू स्टक विद द टैप ऑफ द मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड। कंपेयर द प्रिकॉशंस नॉट, we can see, we can feel there is a sound and the resonance is equal or not. So doctor can easily examine ki there is resonance of the sound is equal or not. If there is some fluid is there, so we can feel the fluid thrill is there. Sometimes pleural effusion is there, pleural effusion in that disease we can feel when we are going to do tapping, we can feel some liquid sound, some dull sound
If we are feeling the dull sound, then there may be a pleural effusion. Then we have to come on auscultation. The fourth part is auscultation. Auscultation, we can use our stethoscope. Breathe sound, there is a two type of sound. One is vesicular breathe sound, a second is bronchial breathe sound. We can put stethoscope on the back of the lungs, so we can easily found during the inhalation sound and exhalation sound. These originated in the large airway and are produced by the passage of air in and out of the normal lung tissues. In a healthy patient, healthy person, we can hear all over the chest. The inspiration is longer than the expiration. When the patient is inspired, just like this, inspiration is longer and the expiration sound is smaller. The intensity of the inspiration is louder and the expiration than expiration sound. If we are notice the pitch, it is low pitch, rusting sound, and there is no gap between inspiration and expiration. Inhale and exhale. We can see there is no gap. Equal sounds are produced, then the patient is normal. During the auscultation, if there is some added sounds, we can see some added sounds, that is a ronchi, wheezing sound. In asthma patient, we can see some whistling. Whistles are whistling sound, that is ronchi, and it's very common in asthmatic patients. Sometimes we can feel crepitus, blubbling of cracking noise, something just paper noise, just like this noise. You can hear this noise, yeah, just this noise is crepitus, crackling noise. And sometimes we can hear pleural rub, cracking and rubbing noise associated with pain. Patient is having a pain, complaint of pain in the side of lungs, and during the breathing, this additional sounds is coming. So with our stethoscope, we can identify this is the pleural rubbing sound. Every disease is asthma, bronchitis, we can see some additional sounds are there. Sometimes common in our common OPD patient, is coming the history with cough, prolonged cough, and we can see there may be a ronchi sound is there and there may be a crepitus sound is there. So we can identify what sound we can listen and we can diagnose according to that, and we can treat according to that our patient. In naturopathic field, first we are decided this is the asthmatic patient, so we can use a nasyam treatment, we can use a dhuma chikitsa treatment, we can massage on both the lungs. Because during massaging, जब हम उसको किसी ऑयल से रबिंग करेंगे लंग्स के अपर पार्ट को, हम इंटरकोस्टल मसल्स के पार्ट को, तो उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होने से फ्रेश ऑक्सीजन हमारे सेल्स को मिलती है और हमारी प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाती है. पेशेंट को अगर ड्यूरिंग कफिंग हो रही है और लंग्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में पेन हो रहा है, तो उस टाइम हम नीचे से ऊपर की तरफ को हम मसाज देंगे. उसको नीचे से ऊपर की तरफ को मसाज देने से क्या है, जैसे जैसे अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लंग्स के अंदर इकट्ठी हो रही है वो बाहर जाना शुरू हो जाएगी, एक्सपिरेशन रेट उसका बढ़ जाएगा, तो जिससे जो ओवरलोड हो रहा है हमारे लंग्स के ऊपर वो कम हो जाएगा, फ्रेश ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर जाएगी, पेशेंट को रिलीफ आना शुरू हो जाएगा. अगर उसको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसकी ब्रीथिंग की डिफ़िकल्टी जो है वो कम हो जाएगी. इसके साथ साथ हम उसको स्टीम दे सकते हैं. स्टीम देने से जैसे वो इनहेल करेगा, कहीं पे हमारी ब्लॉकेज आ रही है ड्यू टू कफ की वजह से, कोई हमारी ब्रोंकियोल्स में कहीं रेस्पिरेशन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, स्रोतस अवरोध हो रहा है, तो वो हमारा ओपन हो जाएगा. जैसे ही पेशेंट ब्रीथ लेगा, जैसे ही वो स्टीम लेगा,
स्टीम लेने से वो ऑब्स्ट्रक्शन ठीक हो जाएगा और फ्रेश ऑक्सीजन अंदर जाने लग पड़ेगी। हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी यहाँ पे और पेशेंट कैन ब्रीथ नॉर्मली। तो टुडे जो हमारा चैप्टर था वी कैन सी, हमने इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, कैसे रेस्पिरेटरी अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्या इसकी एनाटॉमी है, क्या फिजियोलॉजी है, कौन कौन सी बोन्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में हेल्प करते हैं, किस तरह से हम रेस्पिरेटरी ट्रैक के पेशेंट को एग्जामिन कर सकते हैं और अपना डायग्नोसिस हम क्रिएट कर सकते हैं, और डॉक्टर्स हम उसको डायग्नोसिस करने के बाद किस तरह से हम उसको नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट्स हम दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो हमारे स्टूडेंट्स को तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और इसके जो भी आपके डाउट्स हो वी कैन क्लियर दैट डाउट्स। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस को आप इजीली देख सकें। थैंक यू संध्या रमन आधार फाउंडेशन एंड थैंक्स टू ऑल माई स्टूडेंट्स।